जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान में जो भी कत्ल डकैती अगवा का वाकया होता है वो बायस तशवीश है, और हुकूमत की जिम्मेदारी भी है कि इस तरह के वाकयात का सदबाब करे। लेकिन खुसूसन कुछ अरसे से जो पंजगूर में पे दर पे वाकयात चल रहे हैं, ये इंतहाई दिलखराश हैं और इंसानियत सोज वाकयात हैं। इस पर ना सिर्फ हकूमती बेंच, अराकीन असम्बली, सबको इंतहाई दुख है, बल्कि हमारी सिविल सोसाइटी और बलूचिस्तान की अवाम सब के लिए जो है ये एक बायस तशवीश और लम्हा फिक्रिया है। जनाब स्पीकर, जहाँ तक मकतूल जलील संजरानी का ताल्लुक है, शायद मेंबरान में से कुछ को पता होगा और कुछ को नहीं होगा, वो मेरे घर का बंदा था। उसकी जो वाइफ है वो मेरी एक्सटेंडेड कज़न है, और वो मेरे लिए दोस्त, भाई, सपोर्टर सब कुछ था। आप उसके ट्विटर अकाउंट में जाके देखें, आपको पता चल जाएगा। मेरी इलेक्शन कैंपेन में पूरा अरसा मेरे साथ रहा है, जहाँ जहाँ मैं जाता रहा हूँ मेरी पूरी तरह उसने सपोर्ट किए, और इंतहाई हम्बल किस्म का इंसान है। कल जो पंजगूर में सिविल सोसाइटी ने जो एहतजाज किया है, जिसमें औरतों की बड़ी तादाद शामिल थी, वाकई उनकी बात दुरुस्त है। अगर उनको इंसाफ ना मिले तो ये हुकूमत के लिए भी बायस है, लम्हा फिक्रिया है और सब के लिए है, क्योंकि इंसानी जान से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं है। सबसे जो कीमती चीज़ है वो अमन है, जो कोई किसी को दे सके। तो इस पर, खुसूसन जलील के वाक़े पर, मैंने वज़ीर आला साहब से, सिक्योरिटी फोर्सेस के सरबराहान से, कानून नाफिज करने वाले अदारों के सरबराहान से सबसे राबता किया है, और उनसे गुजारिश की है कि मेहरबानी करके इसकी खोज लगाएं। जिन्होंने 35 लोगों की जानें ली हैं, वो उनको कैफर किरदार तक पहुंचाएं। और इसके अलावा वज़ीर आला साहब से मैंने गुजारिश की है, चूँकि एक सीरियल किलिंग है, तो इस पर एक JIT बनाएं, और इसकी जिम्मेदारी जिस पर भी आयद होती है, आया सिविल इंतज़ामिया हो, पुलिस हो, या कोई और अदारा हो, जिसकी नेगलिजेंस की वजह से ये मामलात होते रहे हैं, उस पर जिम्मेदारी आयद करें और सजा व जजा मुकर्रर करें। गो के हकूमत ने बड़े अच्छे काम भी किए हैं, पुलिस को जदीद अतवार पे इस्तवार कर रही है, उस पर काफ़ी फंडिंग हो रही है, डेटा कम्युनिकेशन सेंटर का क्याम वजूद में आया, जिसमें ऑनलाइन FIR और बाकी जो हैं जदीद किस्म की सहूलियात दी गई हैं, ताकि क्राइम का जो है वो एक किस्म से जो है होने से पहले उसको जो है रोका जा सके। इसी तरह लेवीज की भी जो है प्रॉपर ट्रेनिंग की जा रही है, उसको भी उस हवाले से कि मॉडर्न पुलिसिंग कर सके, उसकी जो है इस्तेदादकार बढ़ाई जा रही है। तो ये सारे इनिशिएटिव हैं, लेकिन चूंकि ये वाकयात हुए हैं, वज़ीर आला साहब आएंगे, उनके साथ हम उनको से गुजारिश करेंगे कि इस पर जल्द से जल्द GIT बनाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें, जिसकी वजह से भी ये मामलात हो रहे हैं उनको जो हैं उनके लिए सजाएं मुकर्रर की जाएं। इसके अलावा जिन्होंने भी ये कत्ल किए हैं और इस जो है घनौनी जुर्म में मुलव्वस रहे हैं,
उनको जो है कैफर किरदार तक पहुँचाएँ। जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह ताला ओमेसर साहब को भी हम गुज़ारा करेंगे और वज़ीर आला साहब से भी हम जो है दरख्वास्त करेंगे कि जो भी हमारे मुअज़्ज़ज़ अराकीन ने अमन अमान के हवाले से, खुसूस पंजगूर के हवाले से यहाँ पे उन्होंने बातें की, उन तक हम पहुँचाएँगे। शुक्रिया बुलेदी साहब।